और चलिए अब रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों का। बहुचर्चित रकबर मॉब लिंचिंग प्रकरण है। रकबर मॉब लिंचिंग केस में अदालत में बहस पूरी हो गई है। 67 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। 129 डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं। अब रकबर मॉब लिंचिंग में 15 मई को फैसला आएगा। रामगढ़ के ललावंडी गांव में 5 साल पहले मॉब लिंचिंग हुई थी। ये पूरा मामला है। सरकार ने विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर गंभीरता पूरे मामले में दिखाई थी। सुनवाई पूरी हो चुकी है इस मामले में। आपको बताएं कि 15 मई को अब फैसला आना है। रकबर मॉब लिंचिंग केस में अदालत में बहस जो है वो पूरी हो चुकी है, यानी कि हर पक्ष को सुन लिया गया है। कुल मिलाकर 67 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। 129 डॉक्यूमेंट पेश किए जा चुके हैं। अब जो बारी है वो फैसले की है। अब रकबर मॉब लिंचिंग में 15 मई को फैसला आना है। रामगढ़ के ललावंडी गांव में 5 साल पहले मॉब लिंचिंग हुई थी। सरकार ने विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर गंभीरता पूरे मामले में दिखाई। और देखिए, मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल बना हुआ है प्रदेश में। अप्रैल में लू की बजाय मॉनसून जैसा मौसम है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। नया पश्चिमी विक्षोभ 2 मई से सक्रिय होगा, आपको बताएं कि जिससे फिर से आंधी और बारिश का दौर चलेगा। अगले सप्ताह भी पारा औसत से 3 से 5 डिग्री नीचे रहने की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही हीट वेव की संभावना फिलहाल नहीं है, तो राहत पूरी तरीके से लोगों को है। क्योंकि इससे पहले मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि पश्चिमी विक्षोभ जब एक्टिव होगा मौसम में बदलाव होगा। इससे पहले बीच में गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होने लगी थी। लोगों को यही उम्मीद थी कि किसी तरीके से इस गर्मी से राहत तो मिले। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और उसके बाद मौसम में बदलाव हो जाता है। मौसम अभी ठंडा ठंडा कूल कूल बना हुआ है प्रदेश में अप्रैल में लू की बजाय, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि अप्रैल में लू की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल में लू नहीं बल्कि मॉनसून जैसा मौसम बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। इतना जरूर अंतर है कि कहीं पर तेज बारिश हो रही है तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। नया पश्चिमी विक्षोभ अगर बात की जाए तो 2 मई से एक और सक्रिय होगा, जिसकी वजह से जिसका साइड इफेक्ट ये होगा कि आंधी और बारिश का दौर एक बार फिर से चलेगा। अगले सप्ताह भी पारा जो है वो औसत से 3 से 5 डिग्री नीचे रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इसके साथ ही हीट वेव की संभावना नहीं। पंजाब केसरी में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का लेख, कहा गया है कि सभी विरोधी दलों को जीतने के लिए झुकना होगा। और साथ ही कहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है और देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है जो सबसे अमीर है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा 37.4% तो वहीं कांग्रेस को 19.5% वोट मिले। भाजपा 2014 के बाद से हर चुनाव में घोषणा पत्र पर नहीं मांगती है वोट। आज विपक्षी एकता मंच को एक दूसरे को रियायतें देने और लाभ प्राप्त करने की जरूरत है। साथ ही साथ विपक्षी एकता मंच के सभी दलों को स्वेच्छा से इस नियम का पालन करना चाहिए। भाजपा उम्मीदवारों को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को जीतने के लिए झुकना होगा। पी चिदंबरम ने अपने लेख में ये तमाम बातों का जिक्र किया है। कहा है कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है जो सबसे अमीर पार्टी है। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को 37.4% तो वहीं कांग्रेस को 19.5% वोट मिले। अपने लेख में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ये बताया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा 2014 के बाद से हर चुनाव में घोषणा पत्र पर वोट नहीं मांगती है, क्योंकि ऐसा आरोप है कि जो वादे किए जाते हैं वो तो पूरा ही नहीं होते हैं, तो फिर आगे वोट किस पर मांगेंगे। आज विपक्षी एकता मंच को एक दूसरे को रियायतें देने और लाभ प्राप्त करने की जरूरत है। विपक्षी एकता मंच के सभी दलों को स्वेच्छा से इस नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि सभी को एकजुट करने की कवायद और कोशिश लगातार जारी भी है। भाजपा उम्मीदवारों को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को जीतने के लिए झुकना होगा, लेकिन कौन कितना झुक पाता है, क्योंकि जो एक मजबूत विपक्षी गठबंधन यूं कहें या फिर महागठबंधन बनाने की जो कोशिश है वो कितना कामयाब होगा अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि महत्वाकांक्षा हर किसी की है। हर एक पार्टी से महत्वाकांक्षा समय समय पर उभर कर सामने आ जाती है और इसका खामियाजा ये होता है कि विपक्षी एकता धरी की धरी रह जाती है और भारतीय जनता पार्टी बाजी मारने जाती है। और देखिए, कच्चे तेल के दाम स्थिर है, कब मिलेगी आमजन को राहत, ये सवाल आमजन के जहन में बना हुआ है। लगातार $77 से नीचे चल रहे कच्चे तेल के दाम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट का दौर जारी है।
लेकिन $76 प्रति बैरल के स्तर पर कच्चे तेल के दाम पहुंच गए हैं। बावजूद इसके भारतीय तेल कंपनियां राहत नहीं दे रही हैं और इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है। करीब 8 महीने से स्थिर कर रखे हैं तेल कंपनियों ने दाम, जबकि इस दौर में लगातार कच्चे तेल के दामों में कमी भी आई है। और जब कच्चे तेल के दामों में कमी आई है तो फिर राहत क्यों नहीं आम जनता को मिल रही है? भारतीय तेल कंपनियों की मनमानी से उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है और बजट बिगड़ता जा रहा है। लेकिन जो कच्चे तेल की दाम की बात की जाए तो वो स्थिर है, न बढ़े हैं न घटे हैं। कब मिलेगी आमजन को राहत? आस लगाए आम व्यक्ति बैठा हुआ है। लगातार $77 से नीचे कच्चे तेल के दाम चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट का दौर जारी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब सवाल पूछे जाते हैं कि तेल क्यों महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल क्यों महंगा है, तो यही बात होती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में इजाफा हो रहा है। लेकिन अब तो दामों में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन फिर भी तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। $76 प्रति बैरल के स्तर पर कच्चे तेल के दाम पहुंच गए हैं, लेकिन बावजूद इसके भारतीय तेल कंपनियां हैं वो राहत नहीं दे रही हैं। अब करीब 8 महीने से स्थिर कर रखे हैं तेल कंपनियों ने दाम, जबकि इस दौर में लगातार कच्चे तेल के दामों में कमी आई है। भारतीय तेल कंपनियों की मनमानी से उपभोक्ता बेहद परेशान है, जिनको काफी नुकसान हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बृजभूषण शरण सिंह को साधु संतों का साथ मिल गया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष को साधु संतों का साथ मिला है। पहलवानों के धरने पर दिल्ली कूच की धमकी दी गई है। अयोध्या के संतों ने धरने को साजिश बताया है, कहा है कि धरना जारी रहा तो दिल्ली कूच करेंगे। तो एक तरफ तो जो पहलवान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। आपने देखा था कल प्रियंका गांधी उनके बीच पहुंची थी, शाम को अरविंद केजरीवाल पहुंच गए थे और यहां पर सियासत होती हुई नजर आई थी, ऐसा भाजपा की तरफ से कहा गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बृजभूषण की तरफ से भी की गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि सब कुछ तो इन पहलवानों के अनुसार किया गया है। जांच कमेटी गठित कर दी गई और जांच कमेटी के समक्ष ये वो सबूत पेश ही नहीं कर पाए कि मैं दोषी हूँ। साथ ही साथ इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मैंने अगर इस्तीफा दे दिया तो यही लगेगा कि मैं ही दोषी हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ पहलवानों का ये कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, अपने पद से वो इस्तीफा नहीं देते हैं, बृजभूषण की बात वो कर रहे थे, तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी बात है कि यहाँ पर साधु संतों का साथ बृजभूषण को मिल रहा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष को साधु संतों का साथ मिला है। पहलवानों के धरने पर दिल्ली कूच की धमकी दी गई है साधु संतों की तरफ से। अयोध्या के संतों ने धरने को साजिश बताया है, क्योंकि यही बृजभूषण की तरफ से भी कहा गया था कि ये कांग्रेस का हाथ है इस पूरे प्रदर्शन के पीछे, इस पूरे धरने के पीछे, और यही बात संतों की तरफ से कही गई है। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया है, साजिश से करार दिया है, कहा है कि धरने के पीछे साजिश है और इसलिए धरना दिया जा रहा है। और साथ ही साथ साधु संतों ने यह भी कहा है कि अगर धरना यूं ही जारी रहा तो हम दिल्ली कूच करेंगे। बात अब महेंद्र सिंह धोनी की कर लेते हैं, जिनका जलवा आज भी बरकरार है। 3 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को वो अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज भी कमाई के मामले में विराट कोहली से भी वो आगे हैं। धोनी की कुल संपत्ति आंकी गई है 1022 करोड़ रुपए, जबकि विराट कोहली की कुल संपत्ति जो है वो है 998 करोड़ रुपए। 2020 में विराट कोहली ने से पीछे थे महेंद्र सिंह धोनी। मौजूदा आईपीएल में भी हर शहर और हर स्टेडियम में माही का क्रेज है। हर जगह दर्शक दीर्घा में पीली जर्सी पहने धोनी के सबसे ज्यादा फैंस दिखे थे। आपको बताएं कि जब धोनी बल्लेबाजी करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ पार व्यूअरशिप पहुंच जाती है, और ये हाल तब जब है जब महेंद्र सिंह धोनी पहले ही संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वो आईपीएल खेल रहे हैं। आईपीएल में बेशक किसी भी टीम का मैच हो, लेकिन धोनी धोनी के नारे आपको सुनने को मिल ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैच किसी भी टीम का हो, लेकिन पीली जर्सी आपको नज़र जरूर आती है। महेंद्र सिंह धोनी का जलवा ना केवल खेल में भी है, बल्कि अगर कमाई की बात की जाए तो कमाई में भी महेंद्र सिंह धोनी आगे चल रहे हैं। 3 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को वो अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज भी कमाई के मामले में विराट कोहली से भी धोनी आगे हैं। धोनी की कुल संपत्ति आंकी गई है 1022 करोड़ रुपए, जबकि विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली की कुल संपत्ति जो है वो 998 करोड़ रुपए है। 2020 में विराट कोहली से पीछे थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन मौजूदा आईपीएल में भी हर शहर और हर स्टेडियम में माही का क्रेज नजर आ रहा है। हर जगह दर्शक दीर्घा में पीली जर्सी पहने धोनी के सबसे ज्यादा फैंस दिखे हैं, और जब धोनी बल्लेबाजी करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ पार व्यूअरशिप पहुंच जाती है।
बात कर लेते हैं आईपीएल सीजन 2023 की। शनिवार को डबल हेडर मुकाबले में गुजरात और हैदराबाद जीते हैं। कल के पहले मैच में गुजरात ने कोलकाता को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 179 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने 17.5 ओवर जीत हासिल की और गुजरात के विजय शंकर और मिलर ने 39 गेंदों में 87 रन की साझेदारी की। केकेआर के गुरबाज की 81 रन की पारी बेकार गई। दूसरे मैच में हैदराबाद ने दिल्ली पर 9 रन से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने दिया था 198 रन का लक्ष्य। जवाब में दिल्ली निर्धारित 20 ओवर में बना सकी 188 रन। मिचेल मार्श का 63 रन की और रन और 4 विकेट प्रदर्शन काम नहीं आ पाया। आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई और पंजाब का मुकाबला होना है। फिर शाम 7:30 बजे से आईपीएल इतिहास के 1000वें मैच में भिड़ेंगे मुंबई और राजस्थान। भारतीय टीम और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का आज जन्मदिन भी है। बात आईपीएल सीजन 2023 की हो रही है और अगर मैच की बात की जाए तो बीते मैच में जो डबल हेडर मुकाबला था उसमें गुजरात और हैदराबाद जीत गए। कल के पहले मैच में गुजरात ने कोलकाता को 7 विकेट से हरा दिया और वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने कुल मिलाकर 179 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने 17.5 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। गुजरात के विजय शंकर और मिलर ने 39 गेंदों में 87 रन की साझेदारी की। केकेआर के गुरबाज की 81 रन की पारी बेकार चली गई। दूसरे मैच में हैदराबाद ने दिल्ली पर 9 रन से जीत दर्ज कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 198 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में दिल्ली निर्धारित 20 ओवर में 188 रन ही बना सकी। वहीं मिचेल मार्श का 63 रन और 4 विकेट प्रदर्शन काम नहीं आया। टीम फिर भी हार गई। आज दोपहर की बात की जाए तो आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई और पंजाब का मुकाबला होना है और फिर शाम 7:30 बजे से आईपीएल इतिहास के 1000वें मैच में मुंबई और राजस्थान भिड़ने वाले हैं। भारतीय टीम और मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा का आज जन्मदिन भी है। और देखिए अक्षय का क्षय है। अभिनेता अक्षय कुमार का करियर मुश्किल दौर में है। उनकी पिछली 5 फिल्म सेल्फी, राम सेतु, रक्षाबंधन, सम्राट, पृथ्वीराज और बच्चन पांडे फ्लॉप रही हैं। नतीजन गोरखा समेत 3 बड़े बजट की फिल्में होल्ड करनी पड़ी हैं। 2019 से 2023 के बीच अक्षय की 15 फिल्में लाइनअप थी लेकिन अब सिर्फ 7 फिल्में ही लाइनअप में हैं। कोरोना के बाद लोगों को क्वालिटी कंटेंट देखने की आदत पड़ गई है और अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा तो लोग सिनेमा हॉल नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्टूडियोज ने भी बड़े बजट फिल्मों की फंडिंग रोकी है क्योंकि बजट का 70% हिस्सा तो सिर्फ स्टार ही लेकर जाते हैं। लेकिन अक्षय कुमार की बात की जाए, आपको याद होगा एक के बाद एक फिल्में वो लगातार दे रहे थे। फिल्में उनकी सुपरहिट भी हो रही थी और इस खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्में पिछली जो 5 हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि अक्षय का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उनकी जो पिछली फिल्में जो फ्लॉप रही हैं उसमें सेल्फी शामिल है, राम सेतु शामिल है, रक्षाबंधन शामिल है और पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे फ्लॉप रही हैं। नतीजन गोरखा समेत 3 बड़े बजट की फिल्में होल्ड करनी पड़ गई हैं। इसका नतीजा ये रहा है 2019 से 2023 के बीच अक्षय की 15 फिल्में लाइनअप थी लेकिन अब क्योंकि फिल्में लगातार 5 फ्लॉप हो गई हैं जिसकी वजह से 7 फिल्में ही लाइनअप में है फिलहाल के तौर पर। कोरोना के बाद लोगों को क्वालिटी कंटेंट देखने की आदत सी पड़ गई है क्योंकि क्वालिटी कंटेंट जब लोगों को नहीं देखने को मिलता है तो उसके बाद लोगों को फिल्में इसलिए पसंद नहीं आ रही क्योंकि उनका कंटेंट उनको समझ नहीं आ रहा। ना केवल अक्षय, आपने बीते दिनों देखा होगा तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म तक फ्लॉप गई हैं। अब लेकिन अक्षय की बात कर रहे हैं तो स्टूडियोज ने भी बड़े बजट फिल्मों की फंडिंग को रोक दिया है क्योंकि बजट का 70% हिस्सा तो सिर्फ स्टार ही लेकर चले जाते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा फिर टल गई है। अब जून तक भारत नहीं आएंगे नेपाली पीएम प्रचंड। प्रचंड ने पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत को चुना। आंतरिक कारणों का हवाला देकर दूसरी बार भारत यात्रा प्रचंड की टली है। आगामी वित्त वर्ष के लिए मई के अंत में नेपाल में बजट पेश होगा। सालाना बजट प्रस्तुत करने की नेपाल सरकार तैयारी कर रही है और उसी के बाद होगी प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा। लेकिन फिलहाल के तौर पर प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा एक बार फिर से टल गई है। अब जून तक भारत नहीं आएंगे नेपाली पीएम प्रचंड। प्रचंड ने पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत को चुना लेकिन आंतरिक कारणों का हवाला देकर दूसरी बार भारत यात्रा प्रचंड की टल गई है।
आगामी वित्त वर्ष के लिए मई के अंत में नेपाल में बजट पेश होगा, जिसकी तैयारी भी की जा रही है। सालाना बजट प्रस्तुत करने की नेपाल सरकार तैयारी कर रही है और उसी के बाद प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा हो पाए। और चले इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।